आज के इस वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आपको आज हम बताने वाले हैं कि आप अपनी ज़मीन को आप ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं। आप किसी भी राज्य से आते हैं, आप इंडिया के किसी भी राज्य से आते हैं, तो आप अपनी ज़मीन को आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन अपनी खरीदेगा ज़मीन उसको आप खोज सकते हैं। कैसे, तो कैसे अपनी ज़मीन को ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। अपनी रेसिडेंट ज़मीन को या खेत की ज़मीन को या कोई भी किसी भी प्रकार का ज़मीन, किसी भी तरह का ज़मीन या वो ज़मीन जिस पे आप किसी भी तरह का मकान बना हो, वो सारी ज़मीन आप ऑनलाइन बेच सकते हो। तो कैसे, इसके बारे में मैंने विस्तार से इस वीडियो में बताया है, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप वीडियो को सही से समझ पाइएगा और आप लाभ उठा पाइएगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी आपको मिलती रहे। तो यहाँ मैंने आपके लिए बताया कि अपने कॉलेज का मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे निकालें। यहाँ पर मैंने आपको बताया है बिहार राशन कार्ड सुधार करें, और यहाँ मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पाते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे 99acre.com, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 लाइन मिल रहा है। वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे 3 लाइन आपको मिल रहा है, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे जैसे क्लिक करें, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, लॉग इन रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन मिल रहा है, रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका नाम मांगा जाएगा, जो भी आपका नाम हो वो अपना नाम यहाँ पे इंटर कर दीजिए। यहाँ पे नाम दीजिए, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे दी। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस आपको देना, जो भी आपका ईमेल एड्रेस, मेरा ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड आप बना लीजिए, पासवर्ड इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आप ये अपने हिसाब से इंटर कर दीजिए। ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो आप यहाँ पे इंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह, यहाँ पे आपके माल पे एक OTP भेज दिया, उस OTP को यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। तो हमारे पास OTP हमको मिल चुका, उस OTP को हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। OTP आपको 4 अंक का मिलेगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। OTP देने के बाद फिर से हमें इसी वेबसाइट पे ला के रिडायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट जो लॉगिन हो चुका है, यहाँ फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नाम हो, और यहाँ से अपनी प्रोफाइल को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम लॉग आउट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमारा ये अकाउंट लॉगिन है। ठीक है, तो लॉगिन है, तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका। अब अपनी ज़मीन को सेल करने के लिए, बेचने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बेच सकते, खरीद सकते, सारा चीज़ कर सकते। ये जो ज़मीन है ये बिक्री का ये बेच रहा है। ठीक है, तो क्या इसका प्राइस है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, किस एरिया में है, और यहाँ पे नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, जिस यहाँ पे टाइप करेंगे किस टाइप का चाहिए या ऑल टाइप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी ज़मीन को सेल करने के बारे में आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर में आ जाना, देख लें, सेल एंड रेंट प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना होगा, तभी आपका ज़मीन बिक्री होगा। यहाँ पे भी हमारा प्रोफाइल 0% है, और उसके यहाँ पे पहला क्वेश्चन इनका है, यू आर ऑनर, आप क्या ऑनर हैं, ज़मीन के ऑनर हैं या डीलर हैं या बिल्डर हैं, जो आप हैं तो आप ज़मीन के ऑनर खुद के हैं, तो वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 4। ठीक है, यहाँ पे कह रहे क्या करना, सेल करना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, सेल कर रेंट पे भी अपनी ज़मीन को आप दे सकते हैं, तो हम सेल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे पूछा प्रॉपर्टी टाइप, ये ज़मीन जो किस टाइप का है, रेसिडेंट लैंड है, हाउस विलेज है, जो भी है अदर है, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस टाइप का आपका ज़मीन हो। वह यह हमारा जो रेसिडेंट यानी कि बसने वाला ज़मीन है, तो ये रेसिडेंट को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लेट गेट स्टार्ट डेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अपनी लोकेशन दीजिए, आपका ज़मीन किस लोकेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या, अपने ज़िला का नाम, जो भी आपका ज़िला होगा, यहाँ पे देखिए ज़िला
जिला देंगे, आ गया ठीक है। अगर आपका जिला नहीं आता है तो कोई भी एक जिला दे देंगे, तो इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे, अगर आपका जिला नहीं आ रहा कोई भी एक जिला सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सिटी में जो दे दीजिए, जो हम एक सिटी जो अभी नहीं आ रहा था मैंने दूसरा चेंज किया और दूसरा सेलेक्ट किया, उसको मैं चेंज कर दिया ठीक है। यहाँ देखिए चेंज हो चुका। उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन है, ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐड बटन में क्लिक करने के बाद पूछ रहा है ये सिटी किस स्टेट में, वो आपको सेलेक्ट करना है, मतलब ये जिला किस स्टेट में वो सेलेक्ट करना है। मैं तो नाम दिया था ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो सेलेक्ट करने के बाद स्टेट, उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए एडेड दिखा रहा है, ये हमारा जिला बिहार के सिटी में ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन मांग रहा है ठीक है। अब जो लोकेशन होगा आपका वो आपको यहाँ पर दे देना होगा ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, लोकेशन दे दी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे फिर इसको भी ऐड कर दे, ऐड पे क्लिक करिए, ये भी देखिए ऐड हो गया ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, इसको खाली छोड़ दीजिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं लैंड लिख देता हूँ और इसको भी ऐड कर देता हूँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस दे दें, जो भी लैंड है, लैंड कहाँ पे, उसका एक एड्रेस, मतलब एक पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको दे देना होगा ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एड्रेस दे देता हूँ, तो यहाँ पे एक एड्रेस दे देंगे तो यहाँ पे पूरा एड्रेस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मतलब हाउस नंबर और जो नाम वगैरह उसको आप हाइड करना चाहते हैं, तो आप हाइड में टिक मार का लगा देंगे, हाइड हो जाएगा, जो कि इसके वेबसाइट पे नहीं दिखेगा आपका एड्रेस, सिर्फ इस कंपनी के पास जाएगा। तो इसको हाइड हम नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे मैप आपको मिल जाता है ठीक है। तो यहाँ पे मैप आपको मिल जाएगा, तो मैप नीचे कर लेंगे, मैप पर क्लिक करेंगे तो इस तक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मैप पर सेलेक्ट कीजिए आपका एरिया कहाँ पर है ठीक है। जो भी आपका ज़मीन होगा उसके एरिया, मतलब वो कहाँ पर है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ मैप है, मैप पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने ज़िले को। यहाँ पे देखिए ज़िला है, इसके बगल में ये ज़िला है, तो बगल वाले ज़िले पे भी जाएंगे, तो बगल वाले ज़िले में जाएंगे तो आपका ज़िला भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह देखिए ये, उसके बाद यहाँ इस ज़िले को जूम करेंगे, जिस जिले के अंदर उस जिले में जाएंगे जूम करेंगे ठीक है, तो उसका उस जिले का नक्शा यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा ठीक है। ये देखिए इस तरह का ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, उस जगह को सेलेक्ट करना है लोकेशन में जो जहाँ आपका लैंड है ठीक है। तो जहाँ आपका लैंड है वहाँ पे आपको उस जगह को ऐड करना होगा। मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ अपने लोकेशन को, मतलब जहाँ पर लैंड है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लैंड, जहाँ पर लैंड है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे सेव लोकेशन पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए सेव लोकेशन हो चुका है और हमारा प्रोफाइल जो है 13% हो चुका है फिनिश ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए 13-33% हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मतलब आपके ज़मीन के बारे में, एरिया के बारे में ठीक है। तो यहाँ पे बता सकते हैं अपने ज़मीन के बारे में, बहुत आप स्क्वायर फीट में या एकड़ में बता सकते हैं कितना एकड़ या कितना स्क्वायर फीट में, और आप यहाँ पे कट्ठा में भी बता सकते हैं यदि कट्ठा ठीक। तो यहाँ पे मैं ठीक है कट्ठा। उसके बाद यहाँ पे आप इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं, यह बहुत सब भरने के ज़रूरी नहीं है, खाली भी छोड़ सकते हैं आप ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, इसको भी आप भर सकते हैं तो भर सकते हैं, फ्लोर वगैरह हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा है प्रोसेसिंग बाय, तो इसमें आपको कर देना है मूव टू रेडी टू मूव, इसमें आपको रखना है रेडी टू मूव, अच्छा रहेगा ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारा प्रोफाइल 58% 58% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ऑनरशिप के बारे में, यहाँ पे फ्री होल्ड आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने 5 कट्ठा ज़मीन दिया है सेल के लिए, उसका प्राइस मैं क्या लेना चाहता हूँ, तो उस प्राइस को यहाँ पर हम इंटर कर देंगे ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इंटर कर, और उसके बाद यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने लैंड का, ज़मीन का जो फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो आप 10 KB से लेकर 5 MB के बीच में आप कर सकते हैं, जो कि PNG JPG फाइल में आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, एड फोटो पे,
तो ये आपके सिस्टम में ओपन हो जाए, जहाँ भी आपको फ़ोटो रखा हो आप ओपन कर लेंगे। मेरे पास अभी कोई फ़ोटो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सब अपने हिसाब से आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इसको आपको मतलब पूछ रहा है जमीन पे कोई चीज़ बना हुआ है बिल्डिंग वगैरह या नहीं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपने हिसाब से आप पार्क वगैरह गार्डन वगैरह है या नहीं है उसके आसपास उसमें, तो आप सेलेक्ट करने से इसको खाली छोड़ सकते, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। उसको नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे एक डिस्कशन लिखने कह रहा है। डिस्कशन आप लिख सकते हैं अपनी ज़मीन के बारे में और उसके नियरेस्ट के बारे में, तो आपका कस्टमर जो अच्छा आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कम से कम 30 शब्द लिख सकते, 30 शब्द लिखना आपको अनिवार्य है, ठीक है। तो अपनी ज़मीन के बारे में 30 शब्द यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। तो इस तरह ठीक है, तो इस तरह आप यहां पे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर, यानी कि आपके उस जमीन से मेन मेन जो है जैसे एयरपोर्ट बस स्टैंड कोई ऐसा नियरेस्ट जो सभी जानता वो आप यहां पे लिख देंगे 1 किलोमीटर, उसके वहां से आपको कितना दूर लगता है। ट्रेनिंग कॉलेज इस टाइप का आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इन बैंक ब्रांच, ये जो मतलब अपनी जमीन के जो है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पूछ रहा है जो जो खरीदेगा मतलब वो आपको बायवर कितने बजे के बीच में आपको कांटेक्ट कर लेगी, कंपनी आपको कांटेक्ट कर लेगी। अब एनी टाइम यहाँ पे सेलेक्ट है, एनी टाइम कर लेना, यहाँ पे टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इतना बजे के बीच में आप कर सकते, यहाँ एनी टाइम सेलेक्ट कर लिए मतलब कभी भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया हूँ। मैं देख लेता हूँ सब चीज मेरा सही है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा सही है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है कौन सा सिटी आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी शहर के अलग अलग सिटी दिए गए हैं, तो इसमें आपको अपने अगर बिहार का है तो आपको बिहार ओपन खोज लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखिए बिहार है, तो अब बिहार के लिखा हुआ है, इसके नीचे बिहार के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। ये देखिए जैसे जो भी स्टेट है स्टेट पहले लिखा रहेगा, उसके नीचे उसके डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है तो बिहार है, बिहार के नीचे स्टेट है, और ये बिहार के नीचे डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका लैंड जहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का मैसेज आ रहा है कि मतलब आपको कॉल किया जाए इस नंबर से, तो ये बार बार आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको डू नॉट शो अगेन, तो ये आपको कर देना, ये आपको कॉल करेगा उसी नंबर पर लेकिन ये बार बार पूछे। उसके बाद सिटी, तो यहाँ पे सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे जो भी लैंड का सिटी है, सॉरी यहाँ पे आपको लैंड का सिटी नहीं देना है, यहाँ पे आपका सिटी, आप जहाँ पर है, आप जहाँ पर रहते हैं अपने हिसाब अपना सिटी। तो जमीन अगर हो सकता है आपके दूसरे जिला में भी हो सकता है, तो यहाँ वो नहीं देना है। यहाँ पे पूछ रहा है योर
अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में, तो आप जिस सिटी में भी रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिटी सेलेक्ट करें जहाँ रह रहे हैं वो सिटी देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बारे में पूछा, हमारे लैंड के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस सिटी में, उस सिटी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर दिया रहेगा, और दूसरा भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, तीसरा भी दे सकते हैं, आप जितना मोबाइल नंबर चाहे एक साथ आप यहाँ पे दे सकते, तीन मोबाइल नंबर एक साथ दे सकते हैं। उसके बाद अगर चाहे तो आप लैंड भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो लैंड नंबर जैसे हम कोई नंबर नहीं दें, एक ही नंबर मेरा है तो ये हम दे दिए। उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा 73% था अपलोड, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, मतलब कि ये बता रहा है कि दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि ये मोबाइल नंबर से मैंने पहले रजिस्टर किया था दूसरे अकाउंट में, इसलिए मैंने फिर से किया, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तब इतना चीज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मोबाइल नंबर को चेंज कर दिया, उसको सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करने, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए फिर से ओटीपी हमारे मोबाइल पे भेज दिया गया है, न्यू मोबाइल पे जो मैंने सेव किया हूँ, ओटीपी मिल चुका। अब ओटीपी को यहाँ पे हम इंटर करने के बाद वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा मोबाइल भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद फिर से हम यहाँ सबमिट कर देंगे। हो सकता है आपको ओटीपी नहीं मांगे, क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया था, उसको वेरीफाई करने के लिए ओटीपी मांगा था। तो हम फिर से सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे इसका प्लानिंग है, मतलब सेल करने के लिए आपको कुछ चार्ज देने होंगे, तब ये कंपनी आपको मतलब कस्टमर खोज कर देगी। जब तक आपका सेल नहीं हो, जब तक आपका जमीन नहीं बिक जाता, तब तक ये कंपनी आपको खोज के, मतलब ग्राहक खोज के देती रहेगी। तो यहाँ पे इसका तीन चार प्लानिंग है, तीन में तो आपको चार्ज लगता है 1700, 2300, 7500, ठीक है। अगर फ्री वाला चाहिए तो यहाँ पर फ्री का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर दिएगा पोस्ट फॉर फ्री, ठीक है, पोस्ट फॉर फ्री भी क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर योर लिस्टिंग हैज बिन रिसीव, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है रिसीव और प्रॉपर्टी अंडर स्क्रीनिंग, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 24 घंटे के अंदर लाइव कर दी जाएगी आपकी ज़मीन की पूरी डिटेल इनकी वेबसाइट पे, उसके बाद ये कस्टमर खोजकर आपको देते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने दिया था 25 लाख टोटल, और पर 5 कट्ठा था, तो पर कट्ठा 5 लाख रुपए की दर से। और यहाँ मूव टू रेडी, हर वक्त रेडी है, मतलब बेचने के लिए, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी ज़मीन को सेल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर केयर का नंबर भी मिल जाएगा, ये कस्टमर केयर का नंबर है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी आपको यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, तो यहाँ पे मैंने इसकी वेबसाइट पे, अब जो आपका ज़मीन 24 घंटे के अंदर, ठीक है, ये चेक कर लेंगे, और आपको कॉल भी आ जाएगा इसके कंपनी की ओर से, ठीक है, कंपनी की ओर से कॉल भी आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये सब ज़मीन सेल का है, यहाँ पे दिया गया सभी स्टेट का, मतलब सारे, जिसको सेल करना, जिसको बेचना, वो अपनी ज़मीन के बारे में यहाँ पे डिटेल दिए गए, तो क्या वो चार्ज लेंगे वो भी यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह आपका ज़मीन पर आ जाएगा, और आपको ये कस्टमर खोज के देगा, ठीक है, कस्टमर खोज कर आपको देता रहेगा जब तक आपका यह ज़मीन बिक नहीं जाता है, ठीक है। इसी तरह आप बेच सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आपका टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, कस्टमर केयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर में कस्टमर केयर पे, तो यहाँ पे आपको कस्टमर केयर के नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए इंडिया के लिए, यूएसए के लिए, हर देश में इसका, पर ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो हर देश में इसका चल रहा है, देख लीजिए, हर देश का टोल फ्री नंबर है। और व्हाट्सएप पर भी इसको कॉन्टेक्ट अस कर सकते, ठीक है, और कॉल मी बैक कर सकते हैं। कॉल मी बैक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आप क्या है, ऑनर है, बिल्डर है, उसके बाद यहाँ पर अपना परफेक्ट टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका सबमिट कर देंगे, उसके बाद इनके द्वारा आपको कॉल आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसके द्वारा आपको कॉल आ जाएगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको कॉल आ जाएगा, ये आप 100% सही है। और ये हर देश में, जैसा कि आप कस्टमर केयर के नंबर से आपको पता चल गया होगा, हर देश में इसका टोल फ्री नंबर है। तो इंडिया में भी है टोल फ्री नंबर, आपको मिल जाएगा, वो कॉन्टेक्ट अस पे जाइएगा। तो बहुत बड़ी कंपनी है ये, बहुत बड़ी वेबसाइट है जो आपको ज़मीन बेचती है, बल्कि खरीद भी
खरीदती भी है, तो आप यहाँ से बेच ही सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। जिस तरह आपको किसी ज़मीन चाहिए तो उसके बारे में आप यहाँ को इस पर आएंगे, यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये ज़मीन चाहिए तो इस पर आएंगे तो, और यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपको आगे का प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ किसी भी ज़मीन को बेचने के लिए आप अधिक जानकारी के लिए आप कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।